हेलो फ्रेंड्स, तो जवान का दूसरा वीकेंड तो अब शुरू हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए हैं। अब देखो, जवान के कलेक्शंस अच्छे चल रहे हैं, वीकडेज में भी उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन भाई ये जो अपकमिंग संडे है, जवान का जो सेकेंड संडे है, जिसमें हम लोग होप कर रहे हैं कि ज़्यादा अच्छी वो चलेगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जवान के जितने कलेक्शंस हो सकते थे उतने अब होंगे, क्योंकि भाई आप सबको पता है एशिया कप चल रहा है और हमारा इंडिया फाइनली फाइनल्स में पहुंच चुका है। हाँ, आज के मैच अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फ्राइडे नाइट चल रही है और अभी थोड़ी देर पहले इंडिया हार चुका है। खैर कोई बात नहीं, हर मैच तो हम लोग नहीं जीत सकते, लेकिन अब संडे को इंडिया वर्सेस श्रीलंका होने वाला है और दोपहर से मतलब 3 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा और वो कब तक चलेगा, रात के 10 बजे तक चलेगा, 10:30 बजे तक चलेगा। तो भाई अब संडे को, अब देखो अगर लीग मैचेस होते या फिर सुपर फोर्स होते हैं ना तो ऑडियंस जाती थिएटर्स में, लेकिन क्योंकि फाइनल्स का टाइम है, ठीक है, एशिया कप है, फाइनल्स है और इंडिया पहुंच चुका है फाइनल में, तो डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस में ये चीज़ अफेक्ट करेगी और जवान के कलेक्शंस डाउन होंगे। अब देखो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि कितने परसेंट का ड्रॉप आएगा, लेकिन भाई मान के चलो कि 40-50% का ड्रॉप तो आएगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये जो एशिया कप है ना, इसने जवान के लगभग 40-50 करोड़ खा लिए हैं भाई, लगभग 40-50 करोड़, जो इंडिया में ही अगर जवान मान लो कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 600 करोड़ हो सकता था, लेकिन अब 550 करोड़ ही होगा। वो जो 50 करोड़ है ना, वो एशिया कप खा गई उसकी। तो हाँ भाई, डेफिनेटली जवान को ये कलेक्शंस अफेक्ट करेंगे, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जवान के पास अभी भी एक पूरा वीक है, एक और वीकेंड आएगा जो कि उसके सामने कोई भी मूवी नहीं होगी, तो डेफिनेटली थर्ड वीक अच्छा हो सकता है जवान के लिए। लेकिन ये जो सेकेंड वीकेंड है ना, तो अब देखो आज है सैटरडे, आज के कलेक्शंस ठीक ठाक हो सकते हैं क्योंकि आज कोई भी मैच नहीं है, तो आज के कलेक्शंस नाइट शोज पिकअप हो सकते हैं, लेकिन जो संडे होगा वो संडे सैटरडे से कम ही होगा मेरे ख्याल से। सैटरडे को मान लो कि अगर जवान 20 या 21 करोड़ कमा सकती है, ठीक है, मान लो कि 20 या 21 करोड़ कमा सकती है, तो संडे को वो नंबर्स जो है वो 25 करोड़ तक जाने चाहिए थे, जा सकते थे, लेकिन अब वो 15-16 करोड़ में निपट जाएगी भाई, ऐसा हो सकता है। तो डेफिनेटली एशिया कप ने यहाँ पे जवान के बिजनेस को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर दिया है, और 40-50 करोड़ जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगा ना जवान का, तो उसमें से 40-50 करोड़ और भी ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन अब नहीं होंगे क्योंकि एशिया कप ने उसको अफेक्ट किया है। तो भाई यही एक छोटी सी अब अपडेट बताओ, न्यूज़ बताओ, जो भी इसको मानो। बाकी हाँ, जवान ने अच्छा होल्ड अभी भी दिखाया है, फर्स्ट वीक में भी अच्छे खासे कलेक्शंस किए हैं, 400 करोड़ तो लगभग अब घुसी गई है। तो अब धीरे धीरे जो अगला हफ्ता आएगा, तो अगले हफ्ते तक वो आराम से 520-525 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और देखो एक गारंटी तो एकदम यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि गदर 2 और पठान को ये सरपास करने वाली है, एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई पठान के कलेक्शंस को क्रॉस कर पाएगी या नहीं, तो डेफिनेटली करेगी। पठान में एक भगवा कॉन्ट्रोवर्सी थी, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट है, तो भाई टक्कर दोनों में बराबर ही है, लेकिन क्योंकि जवान का कंटेंट एज कम्पेयर टू पठान बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पे जवान उसको सरपास तो ज़रूर करेगी। देखने वाली बात ये होगी कि जो वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस है उसमें वो पठान को सरपास कर पाती है या नहीं। ऐसे तो जिस तरह के कलेक्शन अभी चल रहे हैं और जिस तरह का होल्ड इसने दिखाया है, तो मेरे को अभी तो उम्मीद है कि हाँ KGF को पठान को RRR को सबको क्रॉस कर सकती है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बेसिस पे, बट अभी बहुत अर्ली होगा। लेकिन एक हफ्ते बाद मतलब कि नेक्स्ट वीकेंड जब हम इसके ऊपर बात करेंगे ना, तब एक एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे सामने आ जाएगा, एग्जैक्ट हम लोगों को समझ आ जाएगा कि कहां तक जाकर रुकेगी ये। अब देखो 28 सितंबर को एक मूवी आने वाली है वैक्सीन वॉर, उसका ट्रेलर पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि यार मेरे को पता ही नहीं चला कि ट्रेलर कब आया, टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता ही नहीं चला, 2 दिन हो गए, तो उसके ऊपर एक एनालिसिस वीडियो लाऊंगा। पर्सनली मेरे को वो ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा, फिलहाल मुझे उसमें कोई भी जात पात वाली चीज़ें नहीं दिखी हैं और आई होप सो कि एक अच्छी मूवी निकल कर आए। बाकी डायरेक्टर उसके हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, मतलब मेरे को ट्रेलर अच्छा लगा एंड आई एम एक्साइटेड फॉर वैक्सीन वॉर। बाकी लेट्स सी मूवी कैसी होती है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, और क्या आप संडे को मैच देख रहे हो या फिर जवान देखने जा रहे हो, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।